Now we will start with ammonia. How ammonia is formed? By showing electron dot structure. Formula for ammonia is NH3. ये अमोनिया का फॉर्मूला है, ठीक है। अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन है, तो अगर हम नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन लिखें, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो अगर इसका कन्फिग्रेशन लिखें वो बन जाएगा 2N5। इस तरीके से हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आ जाएगा के शेल में, ठीक है। अब अगर हम इसको स्ट्रक्चर शो करना चाहें, एक नाइट्रोजन है उसको आप मिडल में लगा दीजिए, तीन हाइड्रोजन है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तीनों सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अगर आप ना बॉन्ड लगाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, पहले इलेक्ट्रॉन शो कर दो। हमको इसके पांच इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन तो इससे शेयरिंग हो रही है, तो तीन तो आप ऐसे शो कर दो। और अब क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी तो शो करने हैं, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस से शो कर देते हैं। नाइट्रोजन के पांच इलेक्ट्रॉन शो करने थे, तो तीन तो ये रहे और दो रहे ये। नाउ अब हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे जिससे कि हम ये शो कर सकें कि इनके ऑक्टेट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, एक हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये रहा इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट। इस हाइड्रोजन को देखिए, 1 और 2, ये इसका सर्कल पूरा हो गया। इसी तरीके से ये इस हाइड्रोजन का सर्कल पूरा हो गया, तो हाइड्रोजन तो हो गए कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, अब हमको नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक मिनट के लिए वेट कर लीजिए, जरा कोई आया है गेट पे। अब और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, और अब हम बनाएंगे वाटर का स्ट्रक्चर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ये हो गया वाटर का फॉर्मूला। वाटर के पास दो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है एक होता है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, कन्फिग्रेशन बन जाएगा इसका 2N6। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कैसे करें, वाटर में देखो हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन को रखेंगे मिडल में और हाइड्रोजन को इसके आसपास लगा देंगे। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आपको शो करने हैं, लेकिन इधर इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से तो दो ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, एक इधर हो रही होगी और एक इधर हो रही होगी, बाकी के हम ऐसे इसके आसपास दिखा सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए। अब हमें शो करने हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, सो वील शो इट बाय डॉट, ओके। अब सर्कल पूरा करेंगे हम, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए दिखाने हैं हमको, तो हाइड्रोजन का सबसे पहले दिखा देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक छोटा एटम है, तो उसके सबसे पहले हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए दिखाएंगे। इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने कंप्लीट कर दिए और यहाँ पे हमने कर दिए इसके दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर लेते हुए हमको सर्कल बनाना है, हाइड्रोजन को इस सर्कल के अंदर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम केवल ऑक्सीजन के ऑक्टेट दिखा रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है, हमें हाइड्रोजन के केवल इलेक्ट्रॉन शो करने हैं शेयर करते हुए, इसलिए आप केवल इसका इलेक्ट्रॉन्स को अंदर लेंगे सर्कल के, हाइड्रोजन को अंदर नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हम इसका लाइन वाइज फॉर्मूला बनाना चाहें, तो लाइन वाइज फॉर्मूला क्या बनेगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये शो हो जाएगा। अब जो बॉन्डिंग पेयर नहीं है, ठीक है, ये क्या है, इनमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये शो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, हाउ मनी बॉन्ड पेयर्स आर हेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें,
कैन एनी वन टेल मी बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? मैम थ्री। थ्री। कैसे बेटा, कैसे आपने मैम गिना? फाइव। कैसे गिना आपने कि बॉन्ड पेयर तीन है? मैम टू। टू है, बस दो ही तो हैं पेयर। हम पेयर की बात कर रहे हैं ना, एक पेयर तो यहाँ पे शेयर हो गया और एक पेयर यहाँ शेयर हुआ है, तो दो ही तो हुए बॉन्ड पेयर। आप इलेक्ट्रॉन थोड़ी गिनोगे, आप तो ये देखोगे कि कितने पेयर की शेयरिंग हुई है। ये कॉमन एरिया हमको देखना है, ये वाला कॉमन एरिया। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गए दो, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई इसकी? व्हाट इज द कोवेलेंसी? कोवेलेंसी बराबर होती है जितने भी बॉन्ड पेयर होते हैं उसके बराबर होती है टू। कोवेल। टू हो गई, तो इसकी, यस, इसकी कोवेलेंसी हो गई टू। लोन पेयर कितने हो गए? फोर। फोर। किसने बोला ये फोर? बेटे मैं पेयर की बात कर रही हूं, पेयर में आप हमेशा दो लेते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, पेयर का मतलब, एक पेयर का मतलब आपको दो गिनने हैं, दो इलेक्ट्रॉन मतलब वन पेयर। और यहाँ पेयर पूछे जा रहे हैं कि कितने पेयर बने हैं, तो एक पेयर तो ये है लोन पेयर का और एक पेयर ये है। भाई जूतों का पेयर लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप एक जूता थोड़ी लेके आते हैं, आप तो पेयर लेके आते हैं, लेकिन बोलते तो वन पेयर हो, चाहे उसमें दो ही जूते हैं, ठीक है? तो लोन पेयर का मतलब यहाँ पे पूरा पेयर देखा जाएगा, ये पूरा। तो यहाँ पे दो ही लोन पेयर हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, किसी भी अदर एलिमेंट के साथ इनकी शेयरिंग नहीं हो रही है। जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है, लेकिन इनकी कहीं भी नहीं हो रही है। ये हम केवल ऑक्टेट जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तब गिनते हैं केवल, बाकी हमें इसको गिनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हम थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना सीखेंगे, क्योंकि आपका जो केमिस्ट्री में आएगा एग्जाम में वो बेसिकली इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनोइक एसिड, इन सब के स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आ जाते हैं। तो वो एक बार हम और देख लेते हैं कि उनको हम कैसे बनाते हैं। देखो पहले हम देखते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल सबको पता है कि इस कोरोना टाइम में जो इथाइल अल्कोहल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जितने सैनिटाइजर बन रहे हैं सब में इथाइल अल्कोहल है ही है। इथाइल अल्कोहल इज द जर्नल नेम ऑफ इट। इसको हम अगर केमिकल लैंग्वेज में इथेनॉल भी बोलते हैं, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो है C2H5OH, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो आपको ओ एच ग्रुप दिखाई दे रहा है यही एल्कोहल ग्रुप है, जिसकी वजह से जो इतनी भी प्रॉपर्टीज इस एल्कोहल की हैं वो सारे इस ग्रुप की वजह से हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कंपाउंड आपके कोर्स में भी है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम इसका कैसे बनाएंगे। हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं C2H5OH, इसका ये फॉर्मूला है। अगर हम इसको तोड़ के लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? CH3CH2OH। हमने क्या किया, इस C2H5 को थोड़ा सा इलेबरेट करके लिख दिया, थोड़ा सा तोड़ दिया, इसको लंबा कर दिया। दो कार्बन थे, पांच हाइड्रोजन थे। तो अगर किनारे वाला जो कार्बन होता है, जो टर्मिनल कार्बन होता है, उस पे हमेशा तीन हाइड्रोजन ही जुड़े रहते हैं, ठीक है? तो इसमें तीन हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए, इधर टू हाइड्रोजन जोड़ दिए, और बाकी ओ एच को तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तो स्पेसिफिक कंपाउंड, उसका फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है, तो उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अब हम इसका बनाएंगे फॉर्मूला, सॉरी स्ट्रक्चर। हमने लिखा CH3CH2OH, ये हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है?
अब हम जो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अगर आप पहले इलेक्ट्रॉन्स लिखने लगे और बाद में सर्कल बनाने लगे तो कई बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं क्या करूंगी, पहले इसका स्ट्रक्चर बना दूंगी, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करेंगे। वो आसान तरीका होता है। दो कार्बन है, एक दूसरे से जुड़े हुए ही होंगे ये, तो इनको इस तरीके से जोड़ दिया। इसके बाद ऑक्सीजन जुड़ा है, उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ा है, ऐसे। इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जोड़ दो, ऐसे ही इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जोड़ दो। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। हमेशा आपको ये बताया गया है इसमें कि जब भी हम इसको लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि एक लाइन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक एक लाइन हम रब करते जाएंगे, पेंसिल से बनाना आप इस फॉर्मूले को, एक एक लाइन रब करते हुए हम एक दो इलेक्ट्रॉन बनाते चले जाएंगे। हाइड्रोजन, ये लाइन रब किया, दो इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये लाइन रब किया, दो इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये लाइन रब किया, दो इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। बस ध्यान किस बात का रखना है कि हम यहाँ जो डॉट्स बना रहे हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, तो वो सारे डॉट से ही बनाना। कार्बन के जैसे आप बना रहे हो तो आपने क्रॉस से बनाने शुरू किए, तो आप कार्बन के क्रॉस से बनाओ, क्योंकि अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आपके स्ट्रक्चर में भी गड़बड़ हो जाएगी, आप गलत गलत मार्किंग कर दोगे। अब इसको हटाना है, एक बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन, इस सिंगल बॉन्ड को निकाला, दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, इस सिंगल बॉन्ड को दो इलेक्ट्रॉन, और इसको हटाया तो बन गए दो इलेक्ट्रॉन। तो हर बार एक सिंगल बॉन्ड हटेगा तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप समझ लीजिए, मतलब ये आपको याद रखना है। आप सर्किल बनाने हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन के सर्किल बनाओ, क्योंकि वो छोटे होते हैं और जल्दी से बन जाएंगे। तो हाइड्रोजन के सर्किल बना दिए, पहला ये रहा हाइड्रोजन का, दो इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए, क्योंकि दो ही चाहिए हाइड्रोजन को। तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये और ये, तो हाइड्रोजन तो हो गया कंप्लीट। अब हमको कार्बन देखना है, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन उसके खुद के हैं, और चार की वो शेयरिंग करेगा तो बन जाएंगे इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि एल शेल है इसके पास, और एल शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। तो देखो, 1 2 3 4 खुद के इलेक्ट्रॉन, एक एरा हाइड्रोजन से शेयर्ड वाला, वो भी गिना जाएगा, तो हो गया 5 6 7 8। ये सर्किल इन इलेक्ट्रॉन्स को लेते हुए इस कार्बन को कंप्लीट कर देगा। ये हो गए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। अब दूसरे वाले कार्बन पर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ। देखो, ऑक्सीजन में हमने दो ही इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, लेकिन ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो और छह, इसका मतलब इसके पास छह इलेक्ट्रॉन हमें इसके शो करने पड़ेंगे। अगर आपने ये छह इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए तो स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। दो तो हमने यहाँ शो कर दिए, क्योंकि हमने बॉन्ड बनाए थे, उसको हटा हटा के हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, लेकिन अभी इसके चार इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो भी आपको ऊपर नीचे शो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोन पेयर्स हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन जब हम ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको गिनेंगे तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन के देखो, 1 2 3 4 5 6, इसके अपने एक यहाँ से शेयर हो गया, एक यहाँ से शेयर हो गया, तो हो गए पूरे आठ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए ऑक्सीजन का कंप्लीट ऑक्टेट।
ठीक है, तो इस तरीके से हम जो, साइकिल बार बता दो। अच्छा एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, और स्ट्रक्चर बनाते हुए हम जितनी भी लाइंस हैं हर एक लाइन को हटाते जाएंगे और दो दो इलेक्ट्रॉन लगाते चले जाएंगे, जैसे हमने इन सब के केस में किया। ठीक है, हर बार हमने एक लाइन हटा के दो दो इलेक्ट्रॉन हर जगह लगा दिए। अब जब इलेक्ट्रॉन लग गए तो आधा काम कंप्लीट हो गया। अब हमको ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए दिखाने हैं, तो हाइड्रोजन के दो दो इलेक्ट्रॉन को इस सर्कल में लेते हुए हम हाइड्रोजन के जितने भी ऑक्टेट है उनको कंप्लीट दिखा देंगे। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाने हैं हर एक कार्बन के। तो कार्बन, पहला वाला कार्बन ये रहा, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 तो इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन है और 4 ये शेयर किए हुए, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के 4 खुद के इलेक्ट्रॉन और 4 इसने शेयर किए हैं, एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन पे आ जाते हैं तो ऑक्सीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि हमने केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ शो किए हुए थे पहले जब हमने बॉन्ड्स हटाए थे, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लास्ट शेल में, तो हमको वो भी शो करने पड़ेंगे। जैसे हम पुराने फॉर्मूला लिख रहे थे, जैसे हमने NH3 में लिखा था, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, लेकिन हमको पूरे लिखने 5 ही पड़े, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके ऑक्टेट में होते हैं, उसके वैलेंस शेल में होते हैं, तो हमें दिखाने ही पड़ेंगे। ये हमने ऑक्सीजन के साथ किया, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन खुद के पास होते हैं, तो ये आपने डॉट से शो किए हुए 6 इलेक्ट्रॉन, दो इसने शेयर कर लिए, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, तो यहाँ हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड का या एथेनोइक एसिड का, जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, इसके सॉल्यूशन को हम विनेगर बोलते हैं, तो वो कैसे करेंगे। विनेगर या एसिटिक एसिड जो है, ये इस कॉमन नेम है एसिटिक एसिड इसका, इसको हम केमिकल नेम इसका होता है एथेनोइक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है CH3COOH। ठीक है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो पहले ये बना लो। बस ये याद रखने की जरूरत है कि आपको ये स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर याद है तो आप आराम से लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बना लोगे। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच थे, वो हमने बना दिए। अब चौथा ये कार्बन अटैच है इसके साथ। अब अगर हम इस कार्बन पे जाएं तो इसके साथ एक ऑक्सीजन है और एक OH ग्रुप है, ये दो ऑक्सीजन इसमें एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो और जब भी केवल ऑक्सीजन जुड़ती है किसी से भी, किसी भी कार्बन से, तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ती है, और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये लर्निंग वाली चीज है, तो ये स्ट्रक्चर अगर याद है तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आराम से बना लोगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन लगाने में और फिर सर्कल बनाने में बड़ा दिक्कत पड़ जाएगी आपको। तो स्ट्रक्चर एक बार रिमेम्बर करना पड़ेगा आपको कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो याद रखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, एक बॉन्ड हटा दिया, इलेक्ट्रॉन बना दिए दो, ये बॉन्ड हटा दो, दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड हटा दो, दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड हटा दिए, दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां दो बॉन्ड हैं, पहला वाला बॉन्ड हटाया,
दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए, दूसरा वाला बॉन्ड हटाया दो और लगा दिए, मतलब डबल बॉन्ड का मतलब चार इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, एक बॉन्ड था दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए, हाइड्रोजन के केस में भी यही करेंगे, इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब ऑक्सीजन के देखो अभी भी हमने यहाँ दो शो किए, आप क्या कर सकते हो अभी से ही इसके छह इलेक्ट्रॉन शो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा। हम यहाँ पे इसके तो चार और शो कर देते हैं, क्योंकि हमने दो तो पहले से ही शो कर रखे हैं, हमने चार और लगा दिए इसके। अब सर्कल पूरे करने स्टार्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन पहले पूरे कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस वाले हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और इस वाले हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब हम पूरे करेंगे कार्बन के सर्कल्स, कार्बन के आठ इलेक्ट्रॉन, चार इसके खुद के, फोर इसके खुद के, फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ से स्टार्ट करो और ये सारे इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में ले लो। ये ध्यान रखना है कि आठ इलेक्ट्रॉन इसके सर्कल में आ जाने चाहिए, अगर इस कार्बन के सर्कल में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन को देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, वन टू चार ये रहे, चार और दो छह और दो ये रहे, आठ हो गए पूरे। सिंगल यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो दो इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, इधर भी सिंगल बॉन्ड था तो दो इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए चार, और यहाँ डबल बॉन्ड थे तो यहाँ चार इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कार्बन के पास हो गए आठ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का कंप्लीट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये ऑक्सीजन का सर्कल कंप्लीट हो गया। तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। लेकिन बेटे ये जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, खुद बना बना के दो तीन बार में आपको ये समझ में आएगा, तब तक आप जो है ऐसे देख के नहीं बना सकते इसको, इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसके लिए आपको मैं कुछ कंपाउंड्स भेजूंगी जिनके आप बना बना के खुद देखना, चीटिंग नहीं करना, क्योंकि अगर चीटिंग कर, हाँ मैम ये ऑक्सीजन वाले बता दो कि कभी दो पेयर बनेंगे कार्बन के साथ, जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कैन फॉर्म आयन इन एक्वा सोल्यूशन। लेकिन अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स देखें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, केवल इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो उसके बीच में है, दो एटम्स के बीच में या दो एलिमेंट्स के बीच में दिखाई देगा आपको, इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आयन्स नहीं बनते हैं। सो आयन्स नहीं बन रहे हैं, इसलिए जब आयन्स नहीं बनेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी नहीं हो सकते। सो दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन कंडक्टर, क्योंकि आयन्स नहीं बनते हैं, दे आर मोलिकुलर कंपाउंड्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। दूसरा क्या है कि सो दे आर मोलिकुलर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं हमेशा, कभी भी आयन्स नहीं बनाते हैं, और इनके अंदर जो फोर्स होता है वो इसको हम कहते हैं वंडर वॉल फोर्सेस, जो कि बहुत वीक फोर्स है। इसमें एटम्स के बीच में जो फोर्स है उसको कहा जाता है वंडर वॉल फोर्सेस। एंड विच आर वेरी वीक फोर्स, जिसकी वजह से जब हम इनको हीट देते हैं तो बहुत जल्दी से ये मेल्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी लेस है एज कंपेयर टू
अगर हम आयनिक कंपाउंड देखें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उनको ब्रेक होने के लिए, लेकिन इनके इनमें वंडरवॉल फोर्सेस है जो कि वीक फोर्सेज हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो डिफरेंस आ सकता है। तो कल हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस कोवेलेंट कंपाउंड में आ सकते हैं। एक तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो इस पे आ सकते हैं कि हमसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि कैसे हम इस कंपाउंड को बनाएं बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा ये आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं ऑब्वियसली, और इस तरीके से रीजन पूछा जा सकते हैं व्हाई दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। व्हाई दे आर हैविंग लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका रीजन आपको पता हुआ होना चाहिए। और क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इसके बेसिस पे वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब टाइम बचा हुआ है कम, तो अब क्वेश्चंस वो पूरे हो नहीं पाएंगे।